जी का पनामा पेपर्स में नाम आया, आपकी क्या राय है इस पर? मैंने बार बार कह दिया कि श्री अमिताभ बच्चन से हमारे बड़े भावनात्मक संबंध रहे हैं और मैं स्वांत सुखाय कभी भी उनके उनके परिवार के बारे में नहीं बोलता, हमसे भूल की बात, लेकिन मेरी बेबाक छवि है, मैं झूठ नहीं बोलता और सच कड़वा होता है। तो मैंने अपने अंतिम पत्रकार वार्ता में हाथ जोड़कर पत्रकार साथियों को कह दिया था और पूरे देश में प्रकाशित हुआ, प्रचारित हुआ कि कृपया अमिताभ बच्चन नाम के व्यक्ति का और उससे संबंधित किसी प्रश्न का, अब अमिताभ बच्चन का पनामा पेपर में नाम है नहीं है, ये कृपया आप सरकार से पूछिए, अरुण जेटली से पूछिए, नरेंद्र मोदी से पूछिए कि अगर है तो वैध है कि अवैध है। मैं न तो देश का वित्त मंत्री हूँ न प्रधानमंत्री हूँ। नेशनल अवार्ड किस बारे में दिया गया है? उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। मैंने तो हरदम कहा कि उनके ऐसा कलाकार न कभी पहले था, न है, न होगा, और वो उन खुश नसीब कलाकारों में है जिन्हें नियति ने हरदम जिनका साथ दिया। पहले जब टीवी नहीं था तो सिनेमा पर वो छाए हुए थे और जब टीवी आए तो उन्होंने टीवी पर कब्जा कर लिया, तो वह मनोरंजन की हर विधा का सही समय पर सही प्रयोग उन्होंने किया। और उनके समकालीन कलाकार वो एक फॉर्मेट में अपने आप को बांधे रहे। उन्होंने ख्वाजा अहमद अब्बास से शुरू किया, मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा को छोड़कर वो बालकी जैसे नए निर्देशकों का प्रयोग करते रहे। उन्होंने 70 साल के बूढ़े होने के बावजूद अपने ससुर से, अपने से बड़े ससुर से और अपने से बेटी की उम्र की लड़की से चीनी कम में मोहब्बत किया और जिला खान के साथ उन्होंने निशब्द में भी किया, तो किसी तरह की भूमिका जीने में उन्होंने परहेज नहीं किया, चाहे समाज कुछ बोले। मैं समझता हूँ कि आलोचना सहने की, गाली सहने की और विवादों को पचा जाने की असीम क्षमता उनके अंदर है। हाल ही में आपने एक बयान दिया था कि आपकी लड़ाई जया बच्चन से अमिताभ बच्चन से, इस बारे मैं चाहता हूँ भौरी के बारे में बात करें, भौरी के बारे में बात करें। चलिए शुक्रिया।